नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में जिसका नाम है ज्ञान एंड विज्ञान। और आज मैं आप सबको एक ऐसे देश के बारे में बताऊंगा जिसमें शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को टॉयलेट जाने की इजाज़त नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हर अपडेट से जुड़े रहें। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, दुनिया में जितनी देशें हैं उतनी ही अलग अलग वहाँ की प्रथाएं हैं, अलग अलग रस्में हैं शादी के लिए, और कुछ तो ऐसे अजीबोगरीब रस्में हैं जिन्हें सुन के आपके होश ही उड़ जाएंगे। इसी तरीके के कुछ अजीबोगरीब रस्में इंडोनेशिया में भी हैं। यहाँ पे टिडोंग समुदाय में एक अजीब रस्म निभाई जाती है जिसमें दूल्हा दुल्हन को शादी के बाद 3 दिन तक टॉयलेट नहीं जाने दिया जाता। कभी कभी ये टॉयलेट ना जाने की प्रथा उनके लिए बहुत बड़ी समस्या भी बन जाती है। और आखिर क्यों नहीं जाने दिया जाता टॉयलेट, ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल यहाँ के इस समुदाय के लोगों का कहना है कि शादी के बाद बुरी नज़र से बचने और शादी के रिश्ते को लंबे समय तक कायम रखने के लिए पूर्वजों ने इस परंपरा की शुरुआत की थी जो आज तक चली आ रही है। बाकायदा इस रस्म को पूरा करने के लिए परिवार के लोग, यहाँ तक रिश्तेदार भी दूल्हा दुल्हन पर निगरानी भी रखते हैं और इस नियम का कड़ाई से पालन करने के लिए 3 दिन तक उन्हें कम से कम खाना दिया जाता है जिससे उन्हें टॉयलेट इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, आज के टाइम पे दुनिया बहुत ही आगे निकल गई है, मगर वर्तमान दौर में इंडोनेशिया में टिडोंग समुदाय के लोग इस अजीबोगरीब रस्म को निभा के अपने पूर्वजों के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। इससे यही पता चलता है दोस्तों कि हम अपने पूर्वजों के संकल्प को पूरा करने के कितने इच्छुक होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं रोज़ाना आपके लिए ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ।